डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं आपके साथ। ये एनसीईआरटी नीट के लिए कितनी जरूरी है, चाहे हम बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स की। हर जगह आपने यही सुना है अपने टीचर से, कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट में, यूट्यूब में, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में, उन बच्चों के जिनके अच्छी रैंक आई है, हर कोई बोलता है एनसीईआरटी ही पढ़िए। बट फिर भी कई बच्चे उसको पढ़ते हैं, कई बच्चे उसको नहीं पढ़ते, हमेशा वो डिलेमा में रहते हैं। आपको हमेशा ये थॉट आता होगा कि आप सच में डॉक्टर बन सकेंगे, उस एनसीईआरटी को पढ़ के आप कितनी रैंक ला सकते हैं, या कितनी वो सफिशियंट है, कितना हमें एनसीईआरटी के आगे जाना है, और अगर एनसीईआरटी जरूरी है तो किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए हमें उसको पढ़ने के। तो आज देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आप आगे तक देखिएगा, मैं आपके संग सारी चीजें डिस्कस करूंगी। तो देखो, क्या ये सच में ट्रू है कि एनसीईआरटी ही इनफ है? अब हमें पता है कि जो हमारी बायो की जो वेटेज है वो कितनी है, हमें 360 नंबर लाने हैं, यानी टोटल हमारे 360 नंबर है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मिला के 360 है। अब अगर मैं बात करती हूँ बायो के लिए, तो एनसीईआरटी काफी अच्छी है। आप अगर एनसीईआरटी को ही ठीक से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप 270 तो नंबर ला ही सकते हो। उसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ते हो, यहाँ पे भी वो आपको इतने नंबर लाके देगी। फिजिक्स में बहुत डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो देखो क्या होता है, आपको ये लगता है कि अब क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी इनफ है कि नहीं। वेल, अब इसके दो आंसर हैं। एनसीईआरटी डेफिनेटली इनफ है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर तो दे रही है। और एक चीज और, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि कितनी आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, और वो प्रिपरेशन आपको तब पता लगेगी जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे। अब देखो, टेस्ट सीरीज क्या होती है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो जो टेस्ट सीरीज जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे, आप अपने आप को मैप नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। आपने बायो में इतना रट्टा लगा लिया, लेकिन आपको वो कितना याद रह पाता है, आप चारों ऑप्शंस में से एक को सही चूज कर पाते हो कि नहीं, वो सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज बताएगा। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज में वो बच्चे पढ़ते हैं जो ऑलरेडी अच्छा प्रिपेयर करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन लेवल भी हाई देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको एक्चुअली में पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अब इन्हीं टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते करते आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आपका स्कोर कहाँ जाके अटक गया है। आपको बहुत बार लगेगा कि यार मेरा अब 300 का स्कोर नहीं बन रहा है। अगर मैं देखती हूँ 360 में से मैं 300 का स्कोर नहीं ला पा रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, तो वहां पे आपके लिए बारी आ जाती है कि एनसीईआरटी के बाहर आपको कितना पढ़ना है। एंड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर पढ़ना भी, बट फिर भी क्यों एनसीईआरटी बोला जाता है बार बार, क्योंकि मैक्सिमम आपका एनसीईआरटी से ही आता है। जो ज्यादा आएगा डेफिनेटली टीचर्स आपको वही पढ़ाएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय वहीं पे बिताओ। आपने क्या कर लिया, आपने एक बायो का चैप्टर लिया, आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, अब हुआ क्या, उस एक्स्ट्रा में से बहुत कम चांसेस है, आपने इस एक्स्ट्रा में से 100% चांस नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। इसीलिए जो 80% उसमें एनसीईआरटी से आता है, तो ये तो आपको पक्के करने ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले अपनी एनसीईआरटी पक्की करनी है, देन जो हमें वो एक्स्ट्रा नंबर लाने हैं, या हमें वो टॉप 500 लोगों में से आना है, हमें टॉप का कॉलेज चाहिए, उस चीज के लिए डेफिनेटली फिर आपको एक्स्ट्रा जाना है। अब देखो, ये एक्स्ट्रा भी कितना जाओगे, मान लो बायो में आपने पूरा पढ़ लिया, बायो आपकी अच्छी खासी हो गई, एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, आपने फिजिक्स भी एनसीईआरटी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पढ़ ली, अब आप बायो में ही एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे हो, तो यहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं होगा, आपके मार्क्स डिसाइड करेगा फिजिक्स का पेपर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बाहर से आएंगे, आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस टाइम पे आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये जो चीजें आपकी बाहर से आ रही हैं, चाहे फॉर्मूला तो आपकी बुक में लिखे हैं, कॉन्सेप्ट आपके फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो बाहर से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उनके लिए आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक बार जब आपका तीनों सब्जेक्ट में उतना उतना हो जाता है कि जो तो करना ही है, दैट इज एनसीईआरटी, ना आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि किसका आपका कम हुआ है,
फिजिक्स में एनसीईआरटी से बाहर आता है तो फिर आपको ज्यादा ध्यान उसमें लगाना है, आपको एक चीज पे, एक चैप्टर पे, एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ओवरऑल स्कोर लाना है। हो सकता है बायो में से आपके 10 क्वेश्चन अगर बाहर से आ रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है ये 10 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होंगे ही नहीं, इनमें से हो सकता है 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो और 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हो, तो इन 5 क्वेश्चन को छोड़ भी तो सकते हैं। वो 5 क्वेश्चन हम क्यों ना अपने फिजिक्स में पक्के कर लें या क्यों ना अपनी केमिस्ट्री में पक्के कर लें। तो इस तरीके से आपको सच को समझना होगा कि एक्चुअली एनसीईआरटी हमें कितनी हेल्प करेगी और क्या करना है। दूसरी चीज ये है कि अब हमें एनसीईआरटी को अप्रोच कैसे करना है, तो हम इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट को देखेंगे। देखो सबसे पहले आ जाओ बायोलॉजी में, 90 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से कितने बनेंगे। अब जितने भी बनेंगे इतना याद रख लो कि मैक्सिमम पोर्शन आपका एनसीईआरटी से आने वाला है, तो पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, यहाँ पे आपको करना होता है उसको रीड। अब देखो आपको स्कूल में भी सब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके नीट तो निकलेगा नहीं। हो सकता है किसी बच्चे के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए, वो नीट नहीं निकाले, क्यों? क्योंकि उसका अप्रोच उस तरीके से नहीं है। तो एनसीईआरटी को रीड किस तरीके से करना है वो बहुत मैटर करता है। आपको लाइन बाय लाइन समझनी होगी, हर लाइन का एक मतलब होता है। अगर किसी लाइन में किसी साइंटिस्ट का नाम दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए उसका डिस्कवरी क्या था। अगर किसी चीज के बारे में कोई डिजीज नाम दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए वो डिजीज का, अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है तो वो आपको बाहर से वहां पे लिखना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी ताकि एनसीईआरटी आपकी एक गाइड की तरह काम करे। तीसरी चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि डायग्राम बहुत जरूरी है। डायग्राम हमें ड्रॉ नहीं करने कहीं पे, इन डायग्राम की हर चीज, इसकी लेबलिंग, इसकी जो नीचे डिटेल्स में लिखा होता है, वहां पे कोई ऐसा वर्ड जो कि थ्योरी में नहीं दिया है वो क्वेश्चन में पूछ लेता है। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम हमेशा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं तो बाहर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किसी भी टाइप का फ्लो चार्ट अगर बना हुआ है एनसीईआरटी में, किसी भी टाइप का टेबल बना हुआ है, कोई ग्राफ बना हुआ है, तो उसको हमें नहीं छोड़ना है। उसके अलावा हमें समरी भी जरूर पढ़नी है, कभी कभी कोई एक्स्ट्रा लाइन होती है समरी में जो हम सीधी सीधी उठाई हुई आ जाती है, जो हमें इन बिटवीन नहीं मिलेगी। अब एक चीज यहाँ पे बन जाती है कि एनसीईआरटी में से इतना पढ़ने में टाइम तो लगेगा। अब देखो ये चीज को डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगेगा लेकिन आपको कम से कम इसको 3 बार तो करना है पेपर से ही पहले। जितनी बार आपको देखोगे आपको कुछ क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। अब जब एक बार आपकी एनसीईआरटी पढ़ लिया या एक चैप्टर वाइज आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली वहां पे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया तो डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चन नहीं लगेंगे, आप अपनी मेमोरी को टेस्ट नहीं कर पाओगे। और जैसे मैंने कहा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, ये आप कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर्स तो करना ही करना है, उसके अलावा जो भी आप एक बुक फॉलो करो, बहुत सारे नहीं पढ़ो, हर बुक में से जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आ जाए जो आपने एक्स्ट्रा पढ़े हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं पहले उनको आप अच्छे से पढ़ लो, वहां पे एनालिसिस मिल जाएंगे। हो सकता है किसी साल में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हो, जो आंसर सही है वो आपको याद हो गया, अब जो नहीं है सही उन 3 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ताकि हो सकता है अगले साल क्वेश्चन उस पे आ जाए। तो प्रीवियस ईयर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद टाइम टू टाइम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करने हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने लाइन बाय लाइन बोला था पढ़ने को, जरूरी नहीं है कि आपको हर लाइन से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उस केस में डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट वीडियोस पे जा सकते हो, चाहे वो आपके यूट्यूब का हो, चाहे आप कोई मटेरियल फॉलो कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूट का, तो वहां से आप उस मटेरियल पे जा सकते हो। लेकिन अगेन आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं बांटना है, बहुत लोगों ने मेहनत की हुई है उन क्वेश्चंस पे तो डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे ही जाओ ना, अपना फाउंडेशन अपनी एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर लो। तो बायो की गारंटी है अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। फिर आपको बाकी पे ध्यान देना है। अब इकोलॉजी हो गया, कितना इजी है, 4 आपके चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर है और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए मान के चलूं तब,
जेनेटिक्स में से देखोगे हर साल 3, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन यूनिट में ही रिप्रोडक्शन हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से जो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चंस वही आ रहे हैं बार बार, तो बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर्स को प्रैक्टिस करो। उसके अलावा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी काफी है। जैसे मैंने कहा, जिस भी चीज को मेंशन कर रखा है उसकी डिटेल्स पे आप बाहर जा सकते हो। एनिमल किंगडम में इतने क्वेश्चन होंगे आपके मटेरियल में, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चांसेस बहुत कम है वो आए। तो इससे अच्छा प्रीवियस ईयर को उठाओ और हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस में आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमी प्लांट्स की इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा जो अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ एंड डिपेंड जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि मिलर न्यूट्रिशन में से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन छोटा सा चैप्टर है और कितने ज्यादा क्वेश्चन उससे हर साल आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगेन एनिमल किंगडम जैसा चैप्टर जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो करना क्या है, मैंने जैसे बताया सारी डिजीजेस जो भी आपकी प्रीवियस ईयर्स में आएगी आपको सारी करनी है, एक चार्ट बना लो, तो अपना यहाँ पे खुद की एक गाइड प्रिपेयर कर लो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट में, बहुत ज्यादा आपके मार्क्स को रैंक को डिटरमाइन करने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स। क्यों, यहाँ पे मेजोरिटी बच्चों में फिजिक्स डिफिकल्ट होती है और यहीं पे बात आ जाती है कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो आंसर इज नो, इट इज नॉट सफिशिएंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। अगर मैं बात करती हूँ आपको क्या पढ़ना है, किसी भी चीज का आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे और फिर आप अपने प्रीवियस ईयर में देखोगे कि एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं दे रखा होता तो यही पे बच्चों को दिक्कत आ जाती है और देखा जाए तो क्वेश्चंस भी यहाँ पे नहीं मिलते हैं टॉपिक वाइज। बट अगर मैं मान के चलूं कि आपकी बोर्ड्स में तैयारी अच्छी थी, आपने बोर्ड्स में जो भी आप बुक यूज करते हो, एचसी वर्मा यूज करते हो, डीसी पांडे यूज करते हो, अपना मटेरियल यूज करते हो, अपना थ्योरी यूज करते हो, अगर उस थ्योरी को पढ़ने के बाद अब जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तब आप देखोगे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब पूरा फिजिक्स का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे छोड़ो, मैं इसको दो तरीके से बांट देती हूँ। या तो क्वेश्चंस आपके इजी आते हैं, इजी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि जिस बच्चे ने ज्यादा तैयारी नहीं भी की है वो अटेम्प्ट कर ले, या आपके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें आपको फॉर्मूला तो लगाना है लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसी के साथ हो सकता है उसमें मैथमेटिक्स आपकी प्रॉपर लग रही हो। जिनको प्रॉब्लम है, जिसके लिए फोबिया नहीं है मैथमेटिक्स, उनकी बात नहीं कर रही, जिनको प्रॉब्लम है तो वहां ये अटक सकते हैं। तो हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में हमारी अप्रोच कैसे होगी, क्या मुझे बहुत सारी बुकें लेने हैं? नहीं, बहुत ज्यादा बुक आपको नहीं लेनी है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इजी टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें क्या आ जाता है, जैसे इसमें काइनेमैटिक्स आ गया आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आपके इजी बनते हैं, कोलिजन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देन आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, यहाँ से आपको थोड़े सही क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। उसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी से देखती हूँ तो जो सर्किट डायग्राम वाले रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे इतने डिफिकल्ट नहीं आते। मॉडर्न फिजिक्स के अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, तो फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करती हूँ तो ऑप्टिक्स में से वेव ऑप्टिक्स डेफिनेटली इजी आता है एज कंपेयर टू रे ऑप्टिक्स। अगर कुछ रह गया हमारा, जैसे हमको पता है कि थर्मोडायनामिक्स में से भी हमारे इजी बनते हैं। अगर ऑन द अदर हैंड मैं देखूं कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से बनते हैं, तो वो देखो आपके रोलिंग मोशन से आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, अगर उनका बेस पक्का नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाते। देन नेक्स्ट आपके रिजिड बॉडी डायग्राम से आ जाते हैं, आपके पास SHM आ गया है, देन आपके पास रे ऑप्टिक्स आ गया, जैसे मैंने बताया मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आ गया, मतलब जो भी आपका मूविंग चार्ज रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे आ गए।
अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, एक वेव चैप्टर रह गया, काफी ईएम वेव्स काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट इतना सारा पढ़ने के बाद आपको एक और दो ही क्वेश्चन देगा, तो इसको भी मैं मुश्किल से मान लेती हूँ कि जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है वो नहीं जाते, वो कुछ भी छोड़े, तो यहाँ पे आपको टाइम लग जाएगा पढ़ने में और क्वेश्चन आपके एक आध ही बन रहा है, जिनकी भी गारंटी नहीं है कि दो भी आ जाए। तो अब इनकी अप्रोच कैसे होगी? अब देखो, जैसे मैंने बोला कि इजी आपके इस टॉपिक में से बनते हैं, लगभग मान लेते हैं कि 15 से 17 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं अगर आप एनालाइज करोगे पेपर को, और 30 से 32 क्वेश्चन आपके इस तरीके के हो सकते हैं। अब जो आपके इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है, आप कोई भी चीज फॉलो करिए, आप कोई भी अपना मटेरियल फॉलो करिए, बुक्स फॉलो नहीं करनी ज्यादा, और उसके बाद एनसीईआरटी को जरूर रीड करना है, और ये दोनों के लिए ही है। दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको देखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी जब रीड कर लोगे तो उसमें, अब एनसीईआरटी रीड क्यों करना है, आप देखोगे वहां पे जितने भी ब्लू बॉक्सेस होते हैं, जो भी डिटेल्स वहां पे लिखी हैं वो आपको वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए। जो आपकी चैप्टर की समरी है जिसमें लास्ट में पॉइंट्स दे रखे होते हैं, ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन वहां से सीधा सीधा उठा लिया है, तो समरी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि एनसीईआरटी के सारे टेक्सुअल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन उससे सिंपल भी आ सकते हैं और उससे टफ भी, बट डेफिनेटली जो फिल इन द ब्लैंक्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वर्थ है डूइंग, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों ही केसेस में, चाहे इजी हो डिफिकल्ट, आपको ये पता लग जाएगा कि कितने हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन में जाना है। बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं जाना है। अगेन यहाँ पे आपको आप अपनी गाइड बनानी है, जिसमें आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, एक अपनी फॉर्मूला की नोटबुक बना लो। तो क्या करेंगे, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है पहले उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आप उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़िए। एक बार आपने एनसी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने उस रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ते समय आप थर्ड एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कर दिए, देन आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अगेन, क्योंकि चांसेस जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आए। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। बेसिकली देखा जाए मोटा मोटा तो, अगर आप इन चीजों की जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है कॉन्सेप्ट ठीक से समझते हो, अगर इनके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर्स आपसे लगते हैं, तो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और समरी ब्लू बॉक्सेस जरूर करने हैं। तो ये तो आपको बाहर से जाना है, तो बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के या केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप बाहर जो एनसीईआरटी के बाहर पढ़ रहे हो फिजिक्स में वो टाइम दे सकते हो। अब देखो, आपकी केमिस्ट्री में से ये 45 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? केमिस्ट्री आपकी मोटी मोटी तीन पार्ट में बढ़ जाती है, आपके पास आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारे पास आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। अब देख लेते हैं किसमें आपको एनसीईआरटी तक ही रहना है और कौन सा बाहर से पढ़ना है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें किस टाइप से होता है एनसीईआरटी का पैटर्न। अब अगर इन तीनों में है से ही जो सबसे ज्यादा आपका आता है वो इनऑर्गेनिक आता है, 45 क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक में से क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। जरूरी नहीं है कुछ बाहर से चीजें पढ़ने की, एनसीईआरटी से ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, आपको अगेन बायो की तरह यहाँ पे लाइन बाय लाइन समझना होगा। आपको लगता है यार हमने इनऑर्गेनिक पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो वो क्वेश्चन कब लगेंगे, अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करके। क्वेश्चन करते समय आपको समझ आएगा यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी रीड करो, और आपकी इनऑर्गेनिक तैयार है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ध्यान ये भी रखना है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो पार्ट आता है ना क्वेश्चंस का, उसमें से 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन से ही रिलेटेड होते हैं। तो सारे नेम रिएक्शन, सबका मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म हमने पढ़ लिए, क्या क्या रेडिकल किसी किसी में बनते हैं,
कोई भी कंडीशन जो रिक्वायर होती है किसी रिएक्शन से, यानी कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऑर्गेनिक से बनते हैं। देन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप डेफिनेटली अपने मटेरियल से पढ़ सकते हो, जिस भी तरीके से आपने अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म से अपने रिएक्शंस लर्न कर रखे हैं उसको फॉलो करो और अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस को देखो। लास्ट में अगर बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो इसके लिए भी सिर्फ एनसीईआरटी काफी है। एनसीईआरटी बहुत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चंस आए, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, एनसीईआरटी से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखती हूँ जो एनसीईआरटी में से कई बार आते हैं, तो वो 11th और 12th के सीरीज वाइज देख लेते हैं। तो देखो, बात करते हैं पहले 11th की। जो आपका सबसे पहला यूनिट आ जाता है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री होती है, वो डेफिनेटली वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रीड करनी है उसमें अच्छे से, और जो भी आपके ग्रीन बॉक्सेस हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन जो आपका यूनिट 2 है जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है वो हो जाता है आपका बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन एटम का। इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अगर आप देखोगे तो एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट यूनिट में अगर आओगे, पीरियोडिसिटी में आओगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी से कई बार ये क्वेश्चन बनता है, और मोस्टली जो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है वो जैसे हो गई आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब चाहे वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो आपके, देन आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रो एफिनिटी पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो नहीं छोड़ने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग आता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पक्का होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप दूसरे कॉन्सेप्ट्स देख सकते हो एनसीईआरटी के बाहर। देन हम अगर अपने स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं, तो वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन बहुत बार पूछी जाती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से बहुत आते हैं। अगर आप रियल गैस को देखोगे डेफिनेटली वो भी पढ़ने हैं, बट ज्यादातर आइडियल गैस से ही क्वेश्चन आते हैं। स्टेट ऑफ मैटर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं, तो वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। अगर कुछ पूछा जाता है उस चैप्टर में से, तो वर्क डन पूछा जाता है। एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन, देन आपका थर्मोकेमिस्ट्री होगी, फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम में आपका पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देन अगेन उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके पास सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। बफर सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, तो जो हमारा हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी से अच्छी तरह इसको रीड कर लेंगे। पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बोरॉन और एल्यूमिनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं। उसके अलावा अगर आप जनरल ऑर्गेनिक मेथड्स में आओगे, देन एल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन्स में खासतौर से एडिशन रिएक्शन आपका बहुत बारी पूछा गया है। अब अगर हम यहाँ पे 12th में आते हैं, तो सॉलिड स्टेट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बैरियर चाहे कैटालिसिस हो, हर टाइप का बहुत जरूरी है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है, इसके बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट अगर आप सेपरेशन एंड आइसोलेशन में आओगे, तो मेटलर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनालाइज करो कौन से मेटलर्जी आपके क्वेश्चन सारे उसके बनने चाहिए। पी ब्लॉक अगेन 11th की तरह 12th में भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किसी भी टाइप के कलर रिएक्शन आपके नहीं छूटने चाहिए। हैलो एल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके टेबल्स बने हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे के सारे स्टेप, सारे के सारे प्रोसीजर। अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें आपको पढ़ना है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक छोड़ देते हैं चैप्टर, वो सोचते हैं यार इसमें क्या है पढ़ने को, इतना कुछ है नहीं, इतना कुछ आता नहीं है, और वो है बायो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन दोनों चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पिछले साल आप देखोगे, लास्ट 2-3 सालों में इसमें से क्वेश्चन आए हैं,
पॉलीमर्स में से क्वेश्चन आते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स में से अमीनो एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, एकदम रटे होने चाहिए आपको। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हूँ तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको इकट्ठा ही पढ़नी है, सारे नेम, रिएक्शंस, कंडीशंस और सब कुछ। तो इन टोटल मैंने आपको बता दिया कि बायो में आपको क्या करना है, आपको पूरा पूरा पढ़ना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करनी है पहले, उसके बाद आप एक्स्ट्रा में जाइए और प्रीवियस ईयर्स करिए। फिजिक्स में डेफिनेटली मैंने आपको बता दिए हैं ज्यादा इजी क्वेश्चन किस टॉपिक में से आते हैं, तो उनके लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और जो मुश्किल आते हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा जा सकते हो। इन केस ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी में से जो भी क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछे जाते वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो सीधा सीधा कहा जाए तो बायो और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है। डेफिनेटली अगर आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए ऊपर आने के लिए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा जा सकते हो, बट उससे पहले आपको एनालाइज करना है कि आपके पास टाइम कितना है और इसको पहले प्रिपेयर करो, एक अच्छी डिसेंट रैंक डेफिनेटली आपकी आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, किसी भी टाइप के मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सको। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।